वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल द इंक्लूसिव जोन। तो जैसा कि आप सभी को पता है, हम पढ़ रहे हैं एजुकेशन पेपर का यूनिट 3, जो कि रिलेटेड आपका लर्नर एंड लर्निंग प्रोसेस है। इस यूनिट का पार्ट ए पार्ट बी ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं और अभी हम डिस्कस कर रहे हैं पार्ट सी। पार्ट सी में हमने लर्निंग थ्योरी स्टार्ट की है, जिसमें हमने ट्रायल एंड एरर थ्योरी, क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी ऑलरेडी डिस्कस कर ली है और ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी का पार्ट ए हमने डिस्कस किया हुआ है। तो अभी तक ये वीडियोस आपने ना देखी हो तो इन वीडियोस को देखें, क्योंकि ये वीडियोस आपके हर एक एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और पढ़ते हैं आज के वीडियो में ऑपरेंट कंडीशनिंग का पार्ट टू। और पार्ट टू में हम टाइप्स ऑफ रीइंफोर्समेंट और शेड्यूल्स ऑफ रीइंफोर्समेंट के बारे में डिस्कस करेंगे, जिससे आपके एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और पढ़ते हैं हम टाइप्स ऑफ रीइंफोर्समेंट। तो टाइप्स ऑफ रीइंफोर्समेंट में आपके दो टाइप्स आते हैं। पहला है आपका प्राइमरी रीइंफोर्समेंट और दूसरा है आपका सेकेंडरी रीइंफोर्समेंट। ठीक है, तो आपको ये दो टाइप्स याद रखे, प्राइमरी रीइंफोर्समेंट और सेकेंडरी रीइंफोर्समेंट। अब बात करते हैं प्राइमरी रीइंफोर्समेंट की। तो आपको ये याद रखना है कि प्राइमरी जो रीइंफोर्समेंट होते हैं वो बायोलॉजिकल होते हैं। ठीक है, प्राइमरी रीइंफोर्समेंट आर बायोलॉजिकल रीइंफोर्सिंग स्टिमुली दैट ऑल पीपल नेचुरली डिजायर। ठीक है, तो सिंपल सी बात आपको याद रखनी है, प्राइमरी रीइंफोर्समेंट आपके बायोलॉजिकल रीइंफोर्समेंट होते हैं, जिससे जो स्टिमुलस होता है वो उसमें पीपल में नेचुरली डिजायर्ड होता है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल फूड, वॉटर, है ना, फूड और वॉटर एक्सेट्रा आर परफेक्टली एग्जाम्पल सिंस वी नीड दीज टू सर्वाइव। यानी कि ये जो फूड वॉटर है ना, ये क्या होगा, ये एक ऐसे बेसिक नीड्स हैं, ये ऐसे बेसिक स्टिमुलस हैं, ऐसे बायोलॉजिकल रेनफोर्सिंग चीजें हैं जो हमें बाय बर्थ जीने के लिए चाहिए होती है। तो इस तरीके के जो रेनफोर्समेंट होते हैं वो प्राइमरी रेनफोर्समेंट के अंदर आते हैं। दूसरा है आपका सेकेंडरी रेनफोर्समेंट। सेकेंडरी रेनफोर्समेंट को कंडीशन्ड रीइंफोर्समेंट भी कहते हैं। ठीक है, क्योंकि इन रीइंफोर्समेंट की हम कंडीशनिंग भी कह सकते हैं, कर सकते हैं। ठीक है, इसीलिए इनको कंडीशन्ड रीइंफोर्समेंट या कंडीशन्ड रीइंफोर्सर्स कहा जाता है। इसमें क्या होता है, जैसे कि आपको यहां दिख रहा होगा कि कंडीशन्ड और सेकेंडरी रीइंफोर्सर्स आर दोज दैट कैन बी एक्सचेंज, जिनको हम एक्सचेंज कर सकते हैं फॉर अ प्राइमरी रीइंफोर्सर इन सम मैनर। एग्जाम्पल मनी, ग्रेड्स, पावर, प्रेस्टीज, ये सारे क्या है आपके कंडीशन्ड रीइंफोर्सर है। सपोज कि आपको फूड चाहिए, खाना चाहिए। ठीक है, अब फूड क्या है आपका प्राइमरी रीइंफोर्सर है या प्राइमरी रीइंफोर्समेंट है, लेकिन अब खाने को पाने के लिए, ठीक है, खाने को पाने के लिए हमें क्या चाहिए, रीइंफोर्समेंट की जरूरत पड़ती है। ठीक है, तो सेकेंडरी रीइंफोर्समेंट को हमने क्या कर लिया, प्राइमरी रीइंफोर्समेंट के साथ कंडीशन्ड कर लिया। यानी कि अब सेकेंडरी रीइंफोर्समेंट क्या है आपका मनी, अब मनी से हम क्या कर सकते हैं, फूड को परचेज कर सकते हैं। ठीक है, ये क्या है आपके टाइप्स ऑफ रीइंफोर्सर्स हैं। इज इट क्लियर? तो आपके दो टाइप्स ऑफ रीइंफोर्समेंट है, प्राइमरी रीइंफोर्समेंट। प्राइमरी रीइंफोर्समेंट आपका बायोलॉजिकल होता है, फॉर एग्जाम्पल फूड, वॉटर, ये आपके प्राइमरी रीइंफोर्समेंट के अंदर आते हैं। दूसरा आपका सेकेंडरी रीइंफोर्समेंट। सेकेंडरी रीइंफोर्समेंट को कंडीशन रीइंफोर्समेंट भी कहते हैं और इसमें आपका मनी, ग्रेड्स, पावर, प्रेस्टीज आ जाते हैं। तो अब हम डिस्कस करेंगे रीइंफोर्समेंट शेड्यूल्स, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो रीइंफोर्समेंट शेड्यूल्स आपके दो ब्रॉड कैटेगरीज में डिवाइडेड है। पहला है आपका कॉन्टिन्यूस और दूसरा है आपका पार्शियल। तो जो आपका पार्शियल रीइंफोर्समेंट शेड्यूल है उसको इंटरमिटेंट शेड्यूल भी कहते हैं। मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया है, आपको याद रखना, क्योंकि एग्जाम में पूछा जाता है कभी कभी कि पार्शियल रीइंफोर्समेंट का दूसरा नाम क्या है, या पार्शियल रीइंफोर्समेंट शेड्यूल ना लिख के इंटरमिटेंट शेड्यूल ही लिख देते हैं। ठीक है, तो आपका पार्शियल शेड्यूल का दूसरा नाम है इंटरमिटेंट शेड्यूल। इज इट क्लियर? अब कॉन्टिन्यूस रीइंफोर्समेंट शेड्यूल के कोई भी टाइप नहीं है, लेकिन पार्शियल या इंटरमिटेंट शेड्यूल के दो टाइप्स हैं। पहला है आपका इंटरवल, दूसरा है आपका रेशियो। देन इंटरवल शेड्यूल जो है वो फिर दो पार्ट्स में डिवाइडेड है,
फिक्स्ड इंटरवल शेड्यूल और वेरिएबल इंटरवल शेड्यूल। वैसे ही आपका रेशियो भी फर्दर दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, फिक्स्ड रेशियो शेड्यूल और वेरिएबल रेशियो शेड्यूल। इज इट क्लियर? अब सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं कॉन्टिन्यूअस रीइंफोर्समेंट शेड्यूल। कॉन्टिन्यूअस रीइंफोर्समेंट शेड्यूल में ये होता है कि सपोज फॉर एग्जाम्पल कि हम एक क्लास है और एक क्लास में टोटल 10 स्टूडेंट्स है, ठीक है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 टोटल 10 स्टूडेंट्स है। उसकी हमने ग्रेडिंग कर दी ए बी सी डी, ठीक है, या फिर ए कोई स्टूडेंट है बी, इस तरीके से 10 स्टूडेंट्स हैं। अब टीचर ने क्लास में टेस्ट लिया और जब बच्चा सपोज ए ए वाले बच्चे ने अच्छा स्कोर किया, ठीक है, उसको 20 out of 20 मार्क्स मिले, टीचर ने क्या कर दिया, उसको रीइंफोर्स कर दिया। अब रीइंफोर्समेंट में टीचर्स को गुड भी दे सकता है, चॉकलेट भी दे सकता है। फॉर एग्जाम्पल हमने हमने ये किया कि जब जब बच्चा क्लास में अच्छे नंबर लेके आएगा तो हर टेस्ट पे उसको रीइंफोर्समेंट एंड उसको चॉकलेट मिलेगी, जिससे बच्चे का जो अच्छा बिहेवियर है, अच्छे नंबर लाने का जो बिहेवियर है वो मेंटेन रहे, ठीक है। तो अब क्या हुआ कि जब सपोज ए स्टूडेंट है, ए स्टूडेंट अच्छे नंबर लेके आया, उसको फिर चॉकलेट मिल गई, फिर टीचर ने दूसरे दिन दूसरा टेस्ट लिया, फिर ए स्टूडेंट एक है जो अच्छे नंबर लेके आया, उसको फिर चॉकलेट मिल गई। यानी कि हर टेस्ट के बाद टीचर क्या कर रहा है, स्टूडेंट को रीइंफोर्समेंट दे रहा है। तो ये क्या होता है, आपको कॉन्टिन्यूअस रीइंफोर्समेंट होता है। तो कॉन्टिन्यूअस रीइंफोर्समेंट में होता क्या है कि ये बहुत लंबे टाइम तक नहीं चलता है। अगर जो हमें इनिशियल स्टेज पे बच्चे के बिहेवियर को अच्छा करना है, बच्चे के अच्छे बिहेवियर को मेंटेन करके आगे तक रखना है, तब तो कॉन्टिन्यूअस रीइंफोर्समेंट काम करता है, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए कॉन्टिन्यूअस रीइंफोर्समेंट काम नहीं करता है, ये आपको याद रखना है। और कॉन्टिन्यूअस रीइंफोर्समेंट में हर टेस्ट के बाद या हर रिस्पॉन्स के बाद टीचर क्या करता है, स्टूडेंट को रीइंफोर्समेंट देता है। इज दैट क्लियर? वही पार्शियल रीइंफोर्समेंट क्या होता है, पार्शियल रीइंफोर्समेंट में रीइंफोर्समेंट देना फिक्स नहीं होता है। यानी कि अगर जो हमने आज टेस्ट लिया और ए स्टूडेंट के आज वो अच्छे नंबर लेके आया, फिर दूसरे दिन वो अच्छा नंबर लेके आया, फिर तीसरे दिन या चौथे दिन वो अच्छा नंबर लेके आया, बीच में अच्छा नंबर लेके नहीं आ पाया, तो यहाँ पे जो रीइंफोर्समेंट है वो फिक्स नहीं होता है। कभी कभी टीचर स्टूडेंट को रीइंफोर्समेंट दे देता है और कभी कभी टीचर स्टूडेंट को रीइंफोर्समेंट नहीं भी देता है। तो ये क्या है, पार्शियल रीइंफोर्समेंट है। पार्शियल रीइंफोर्समेंट लॉन्ग टर्म तक स्टूडेंट्स के बिहेवियर को मेंटेन करके रखने के लिए काम करता है। इज इट क्लियर? तो आई होप आपको पार्शियल रीइंफोर्समेंट और कॉन्टिन्यूअस रीइंफोर्समेंट पे अंतर समझ में आया होगा। अब हम बात करते हैं कि इंटरवल पार्शियल इंटरवल शेड्यूल क्या है, ठीक है, या इंटरवल शेड्यूल क्या है। इंटरवल शेड्यूल में क्या होता है कि टीचर फिक्स कर देता है कि हर दूसरे टेस्ट के बाद, सपोज हर पांचवे टेस्ट पे मैं क्या करूंगी, बच्चे को रीइंफोर्समेंट दूंगी, यानी कि चॉकलेट दूंगी। तो ये क्या होता है कि इंटरवल शेड्यूल में होता क्या है कि बच्चा पहले या दूसरे टेस्ट में नहीं समझ पाएगा कि उसको रीइंफोर्समेंट कम मिलेगा, लेकिन तीसरे या चौथे टेस्ट में बच्चा समझ जाता है कि हाँ टीचर हर पांचवे टेस्ट के बाद हमें रीइंफोर्समेंट दे रही है, हमें चॉकलेट दे रही है। तो ये भी क्या होता है कि बहुत हद तक काम नहीं करता है, लेकिन कॉन्टिन्यूअस रीइंफोर्समेंट से बेटर होता है, ठीक है। तो इंटरवल में आपको क्या याद रखना है, इंटरवल में हम फिक्स कर लेते हैं कि हर पांचवे टेस्ट, सपोज मैंने फिक्स कर लिया कि हर पांचवे टेस्ट पे मैं क्या करूंगी, स्टूडेंट को रीइंफोर्स करूंगी जो अच्छा स्कोर लेके आता है, ठीक है। तो ये क्या हुआ आपका, इंटरवल शेड्यूल हुआ। इंटरवल शेड्यूल में इंटरवल शेड्यूल में क्या हुआ, अब ये क्या है, फिक्स इंटरवल शेड्यूल, ठीक है। जैसे कि मैंने अभी आपको ये एग्जांपल बताया कि हर पांचवा टेस्ट मैंने क्या कर लिया, फिक्स कर लिया कि हर पांचवे टेस्ट में जो बच्चा अच्छा स्कोर लेके आएगा उसको मैं रीइंफोर्स करूंगी। तो ये क्या हुआ, फिक्स इंटरवल शेड्यूल। वहीं पे वेरिएबल इंटरवल शेड्यूल में क्या होता है, वेरिएबल इंटरवल शेड्यूल में इंटरवल्स तो होते हैं, लेकिन कितने इंटरवल के बाद टीचर स्टूडेंट को रिइंफोर्स करेगा ये फिक्स नहीं होता है। यानी कभी कभी टीचर दो टेस्ट के बाद स्टूडेंट को रिइंफोर्स कर देगा, कभी कभी
चौथे टेस्ट में रिइंफोर्स कर दे, कभी कभी 10वें टेस्ट में रिइंफोर्स करेगा। तो यहाँ पे जो टाइम इंटरवल है वो बदलता रहता है, कॉन्टिन्यूअस नहीं होता या फिक्स नहीं होता है, तो ये क्या है, वेरिएबल इंटरवल शेड्यूल। और एक चीज आपको ये भी याद रखनी है कि कॉन्टिन्यूअस हुआ या इंटरवल हुआ है ना, चाहे वो इंटरवल वेरिएबल शेड्यूल हो चाहे वो रेशियो वेरिएबल शेड्यूल हो, वेरिएबल शेड्यूल जो होते हैं वो हमेशा अच्छे माने जाते हैं इज इन कंपैरिजन टू इंटरवल या कॉन्टिन्यूअस शेड्यूल। इज दैट क्लियर? तो आई होप आपको इंटरवल वाला समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं फिक्स, अब हम बात करते हैं रेशियो शेड्यूल पे। रेशियो शेड्यूल क्या होता है? रेशियो शेड्यूल में जो स्टूडेंट की परफॉर्मेंस पे डिपेंड करता है रीइंफोर्समेंट देना। सपोज कि मैंने 10 टेस्ट लिए और उस 10 टेस्ट में स्टूडेंट ने 7 बार अच्छा रिस्पॉन्स किया, तो टीचर क्या करता है, स्टूडेंट को रीइंफोर्स करता है। तो रेशियो में स्टूडेंट की परफॉर्मेंस पे बेस्ड होता है कि कब देना है रीइंफोर्समेंट। इज इट क्लियर? वैसे ही फिक्स्ड रेशियो शेड्यूल है। फिक्स्ड रेशियो शेड्यूल में हमने ये मान लिया, जैसे कि अभी हमने ऊपर डिस्कस किया कि 10 टेस्ट हमने लिए, अब उस 10 टेस्ट में स्टूडेंट ने क्या किया कि वो हर पांचवे पे, सपोज हर कभी पांचवे पे, कभी सपोज उसने 5 बार, पांचवे पे भी नहीं, हम कह सकते हैं कि 10 में से 5 बार उसने क्या किया, अच्छा स्कोर लेके आया। तो हर बार स्टूडेंट जब 10 में से 5 टेस्ट में अच्छा स्कोर लेके आएगा तो उसको क्या मिलेगा, रीइंफोर्समेंट मिलेगा। ठीक है, तो ये क्या हुआ, फिक्स रेशियो शेड्यूल हुआ। वहीं पे वेरिएबल रेशियो शेड्यूल में क्या होता है कि चीजें फिक्स नहीं होती हैं। जैसे इंटरवल में क्या होता है कि हमने फिक्स इंटरवल बना दिया है ना, अब उसके बाद इंटरवल में क्या, इंटरवल वेरिएबल में क्या हुआ कि हमने इंटरवल्स चेंज कर दिए, वैसे ही रेशियो वेरिएबल में क्या होता है कि रेशियो वेरिएबल में भी स्टूडेंट ने कितनी बार, अब पहले हमने ये फिक्स कर लिया कि 10 में से 5 बार अगर जो वो स्टूडेंट अच्छा रिस्पॉन्स करेगा तो उसको रिइंफोर्समेंट मिलेगा, लेकिन वेरिएबल में हमने क्या किया, हर बार जो रेशियो था वो हम चेंज करते गए। ठीक है, तो ये क्या होता है, रेशियो वेरिएबल शेड्यूल होता है। स्लाइड की तरफ, नेक्स्ट स्लाइड भी आपके बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ अगर जो आपने प्रीवियस ईयर पेपर उठा के देखे होंगे तो आपको बहुत सारे क्वेश्चन यहां से देखने को मिलेंगे। तो ये जो टेबल है, ये टेबल मैंने एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बनाई, जिससे आपको ट्रिक समझ में आए कि अगर जो क्वेश्चन इस तरीके से आएगा तो आपको किस तरीके से करना है। ठीक है, क्योंकि इसको याद करना, मेमोराइज करना कभी कभी मुश्किल हो जाता है, तो आंसर गलत होने के चांसेस रहते हैं। लेकिन जब भी आपके इस इन 8 टाइप्स ऑफ शेड्यूल से क्वेश्चन आए तो आप ये टेबल बना सकते हैं, निमोनिक से याद रख सकते हैं, जिससे आपका क्वेश्चन यहां से कतई गलत नहीं होगा। ठीक है, अब आपको याद क्या रखना है, आपको ये टेबल बनानी है। एक में क्या होगा, क्यू एबसेंट, और दूसरा क्या है, क्यू प्रेजेंट। ठीक है, अब इस तरफ जो लिखी है वो कंडीशनिंग लिखी है, यानी कि पॉजिटिव कंडीशनिंग और नेगेटिव कंडीशनिंग। ठीक है, अब सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं पॉजिटिव कंडीशनिंग। तो पॉजिटिव कंडीशनिंग में आपको इस तरह ऐसे चलना है। ठीक है, तो पॉजिटिव कंडीशनिंग में जब हम स्टूडेंट को, मतलब जब हम स्टूडेंट को सिखाते हैं या किसी को भी सिखा रहे हैं, तो जो रिवॉर्ड ट्रेनिंग होता है, रिवॉर्ड ट्रेनिंग में आपका क्यों क्या होता है, एब्सेंट होता है। ये यहाँ पे लिखा हुआ ना, क्यों क्या होगा, क्यों एब्सेंट और रिस्पॉन्स होगा, रिस्पॉन्स मेड। इसी तरीके से आपके एग्जाम में मैचिंग में क्वेश्चन आता है। ठीक है, रिस्पॉन्स मेड, यानी कि जब हम बात करते हैं रिवॉर्ड ट्रेनिंग की, तो रिवॉर्ड ट्रेनिंग में आपकी कितनी चीजें आ जाएंगी, यहाँ पे कंडीशनिंग कैसी होती, पॉजिटिव कंडीशनिंग होती है, क्यों एब्सेंट होता है और रिस्पॉन्स मेड होता है, यानी कि रिस्पॉन्स करवाया जाता है। ये क्या है, आपकी रिवॉर्ड ट्रेनिंग है। वहीं हम बात करते हैं ओमिजन ट्रेनिंग की, तो ओमिजन ट्रेनिंग में क्या होता है, रिस्पॉन्स विद हेल्ड, यानी रिस्पॉन्स विद हेल्ड का मतलब है यहाँ पे रिस्पॉन्स नहीं होता है, क्यों एब्सेंट होता है और पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट या पॉजिटिव कंडीशनिंग कराई जाती है। ठीक है, तो यानी कि रिस्पॉन्स नहीं होगा, क्यों एब्सेंट होगा और पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट या पॉजिटिव कंडीशनिंग कराई जाएगी। तो ये क्या है, आपकी ओमिजन ट्रेनिंग है। ठीक, बिल्कुल एज इट इज ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। उसके बाद पहले हम क्यू एब्सेंट वाले की बात कर लेते हैं।
तो ये क्या है आपका, ये क्यू एब्सेंट और रिस्पॉन्स मेड और रिस्पॉन्स विद हेड विथ पॉजिटिव कंडीशनिंग की बात की, तो इसमें आपके दो आते हैं, एक आता है रिवॉर्ड ट्रेनिंग, एक आता है आपका ओमिशन ट्रेनिंग। उसके बाद हम बात करते हैं नेगेटिव रेइनफोर्समेंट की या नेगेटिव कंडीशनिंग की। नेगेटिव कंडीशनिंग में आपका आता है एस्केप ट्रेनिंग। एस्केप ट्रेनिंग में क्या होता है, रिस्पॉन्स कराया जाता है, क्यू एब्सेंट होता है और नेगेटिव रेइनफोर्समेंट होता है। इज इट क्लियर? वहीं पे है आपकी पनिशमेंट ट्रेनिंग। पनिशमेंट ट्रेनिंग में क्या होता है, रिस्पॉन्स नहीं होता है, क्यू एब्सेंट होता है और नेगेटिव आपकी रीइन्फोर्समेंट होता है। ठीक है, तो आप देख रहे होंगे इस टेबल से हमने समझ लिया कि किस तरीके से हम इसको, आप दो तीन बार टेबल बनाएंगे, टेबल आपको चुटकियों में मेमोराइज हो जाएगी। ठीक है, तो आप इस तरीके से यहां से जो भी क्वेश्चंस बनते हैं आप उनको सॉल्व कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं क्यू प्रेजेंट की। तो क्यू प्रेजेंट में कौन कौन आता है, कभी कभी क्वेश्चन सिंपल सा आ जाता है कि पॉजिटिव कंडीशनिंग में कौन कौन से, पॉजिटिव कंडीशनिंग में कौन कौन से शेड्यूल्स आते हैं। तो सिंपल सा आपको याद रखना है, रिवॉर्ड ट्रेनिंग, ओमिजन ट्रेनिंग, डिस्क्रिमिनेटेड ट्रेनिंग और डिस्क्रिमिनेटेड ओमिजन ट्रेनिंग आपके पॉजिटिव के अंदर आते हैं। वहीं नेगेटिव में आपके स्केप ट्रेनिंग, पनिशमेंट ट्रेनिंग, एक्टिव अवॉइडेंस ट्रेनिंग और डिस्क्रिमिनेटेड पनिशमेंट ट्रेनिंग आता है। ठीक है, तो इस टेबल से किसी भी तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो इसलिए मैं बोल रही हूँ कि आप इस टेबल को 4-5 बार बनाइए, अपने रूम में वॉल पे चिपका लीजिए, जैसे भी करिए आप इस टेबल को रट लीजिए। ठीक है, उसके बाद है आपका, हम बात करते हैं क्यू प्रेजेंट की, यानी कि जहां पे क्यू प्रेजेंट होता है। क्यू प्रेजेंट में पॉजिटिव कंडीशनिंग में रिस्पॉन्स, यानी कि यहाँ पे क्या होगा, डिस्क्रिमिनेटेड ट्रेनिंग में रिस्पॉन्स होगा, क्यू प्रेजेंट होगा विद पॉजिटिव रीइन्फोर्समेंट। ठीक है, उसके बाद रिस्पॉन्स विद हेल्ड में क्या होना था, डिस्क्रिमिनेटेड ओमिजन ट्रेनिंग होती है, तो डिस्क्रिमिनेटेड ओमिजन ट्रेनिंग के लिए क्या हो जाएगा, रिस्पॉन्स नहीं होगा, रिस्पॉन्स नहीं होगा, क्यू प्रेजेंट होगा और पॉजिटिव कंडीशनिंग होगी आप, या पॉजिटिव रीइन्फोर्समेंट दिया जाएगा। ये क्या आपकी डिस्क्रिमिनेटेड ओमिजन ट्रेनिंग है। वहीं पे नेगेटिव की बात करते हैं, तो नेगेटिव में फिर आपका आता है एक्टिव अवॉइडेंस ट्रेनिंग। एक्टिव अवॉइडेंस ट्रेनिंग में क्यू जो होता है, क्यू प्रेजेंट होता है, रिस्पॉन्स होता है विद नेगेटिव रीइन्फोर्समेंट। वहीं डिस्क्रिमिनेटेड पनिशमेंट ट्रेनिंग में आपका क्यू प्रेजेंट होता है, रिस्पॉन्स नहीं होता है और नेगेटिव रिइन्फोर्समेंट आपको दिया जाता है। इज इट क्लियर? यानी कि ये जो चार है आपके, क्यू प्रेजेंट में आपके चार आते हैं और क्यू एब्सेंट में भी आपके चार आते हैं। ठीक है, और पॉजिटिव रिइन्फोर्समेंट के अंदर आपके चार आते हैं और नेगेटिव रिइन्फोर्समेंट के अंदर भी आपके चार आते हैं। अब आपको याद ये क्या रखना है कि कहाँ पे रिस्पॉन्स होता है, कहाँ पे रिस्पॉन्स नहीं होता है, किसमें क्यू प्रेजेंट होता है, किसमें क्यू एब्सेंट होता है। इज इट क्लियर? तो इस तरीके से ये टेबल है, इस टेबल को रट लीजिए, यहां से फिर आपके एग्जाम में यहां से क्वेश्चन नहीं गलत होगा। और अगर जो आपको निमोनिक बना के याद रखना है तो निमोनिक बना के भी याद रख सकते हैं। निमोनिक क्या बन सकता है, अगर जो हम ऊपर वाले की बात करें, यानी कि इन चारों की बात करें, तो इन चारों में आप याद रख सकते हैं आर ओ डी डी ओ। ठीक है, रॉड दो। ठीक है, इससे याद रख सकते हैं रॉड दो। तो रॉड दो में क्या है, पॉजिटिव रीइन्फोर्समेंट वाले, जितने भी पॉजिटिव रीइन्फोर्समेंट वाले हैं वो रॉड दो में आते हैं। ठीक है, आर का मतलब रिवॉर्ड ट्रेनिंग, ओ का मतलब ओमिजन ट्रेनिंग, डी का मतलब डिस्क्रिमिनेटेड ट्रेनिंग और डी ओ का मतलब डिस्क्रिमिनेटेड ओमिजन ट्रेनिंग। ठीक है, अब कैसे, अब आपको ये याद रखना है कि जो आगे के दो हैं इनमें क्या होता है, क्यू एब्सेंट होता है और पीछे के दो में क्यू प्रेजेंट होता है। ठीक है, इस तरीके से आप याद रख सकते हैं कि पॉजिटिव रीइन्फोर्समेंट या पॉजिटिव कंडीशनिंग में रॉड दो निमोनिक बना के आप इन टर्म्स को याद रख सकते। वहीं पे नेगेटिव में आप क्या याद रख सकते हैं, ई पी ए डी। ठीक है, ई पी ए डी पी, ई पी ए डी पी से आप याद रख सकते हैं, ई का मतलब क्या है, एस्केप ट्रेनिंग, पी का मतलब क्या है, पनिशमेंट ट्रेनिंग,
ए का मतलब क्या है? एक्टिव अवॉइडेंस ट्रेनिंग, और डीपी, डीपी का मतलब क्या है? डिस्क्रिमिनेटेड पनिशमेंट ट्रेनिंग। इसमें इन सब में क्या होता है? नेगेटिव रीइन्फोर्समेंट होता है। ठीक है, आगे के दो वाले में जो होता है वो क्यू एब्सेंट होता है, और पीछे जो आपके पीछे वाले दो हैं यानी कि एडीपी, इसमें क्यू प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो इस तरीके से आप निमोनिक बना के भी इन आठों शेड्यूल को याद कर सकते हैं। ये आठों शेड्यूल आपके लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, फिर वो चाहे पीजीटी का एग्जाम हो, असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम हो, नेट का एग्जाम हो, हर एक एग्जाम में, इवन पीएचडी एजुकेशन एंट्रेंस एग्जाम में भी यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ऑल इन वन, एक बार अगर जो इस टेबल को आप अच्छे से पढ़ लेंगे, समझ लेंगे, याद कर लेंगे, तो आपके यहाँ से क्वेश्चन गलत नहीं होगा। तो आई होप आपको आज की वीडियो समझ में आई होगी। आज हमने डिस्कस किए शेड्यूल्स ऑफ रीइंफोर्समेंट और टाइप्स ऑफ रीइंफोर्समेंट के बारे में। तो कहीं पे भी कुछ ना समझ में आया हो तो आप कमेंट सेक्शन में अपनी क्वेरी को पोस्ट कर सकते हैं। और इसी के साथ हम नेक्स्ट वीडियो में भी ऑपरेंट कंडीशनिंग का पार्ट 3 पढ़ेंगे, जिसमें और भी बेसिक कॉन्सेप्ट्स होंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट होंगे आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इसी के साथ, अगर जो आपको वीडियोस अच्छी लग रही हो, इंफॉर्मेटिव लग रही हो, तो आप वीडियोस को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, शेयर विद योर फ्रेंड्स ऑल्सो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक के साथ।